नौ साल में तीन उसके बावजूद कि तीन बड़े बहुत बड़े शौकस आए और उसमें दो साल तीन साल तो समझिए काम ही नहीं हुआ एक तो कोविड गो, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में इकोनॉमिक पैरालिसिस आ गया था पूरे दुनिया में सिर्फ देश में नहीं पूरे दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी उसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था आज देखिए पाँचवें पैदान पर है दो साल बिल्कुल काम ठप रहा इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी देश का जो, जो कॉफर है वो खाली हो गया था उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता की सेवा की देश की जनता की पूरी चिंता की और देश की इकॉनमी को भी आगे जो है पढ़ाने में पूरा प्रयास किया दूसरा शौक आया जैसे उस कोविड से निकले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रशिया यूक्रेन का जो है वो क्राइसिस आया रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से पूरे दुनिया में फिर से एक बार इकोनॉमी जो डगमगाने लगी जाहिर है अगर आपके सप्लाई चेन बंद हो जाएंगे तो उसका नुकसान तो हर देशों को होगा रॉ मटेरियल्स नहीं आएगा प्रोडक्शन में ए, ए, कमी आएगी जाहिर है कि आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये सब कारणों के बावजूद हमारी जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती रही उसका पूरा श्रेय जाता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने ऐसे कड़े ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में कड़े फैसले लिए और देश की अर्थव्यवस्था को किसी तरह से भी कमज़ोर नहीं होने दिया और तीसरा जो सबसे बड़ा बॉटल ने पिछले नौ साल में वो है विपक्ष जो काले कपड़े पहन के आता है लेकिन उनको पता होना चाहिए मोदी है तो मुमकिन है हम अर्थव्यवस्था को मजबूत से मजबूत करेंगे और दुनिया में सबसे तेज गति से रफ्तार जो है से रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी इसकी पेशकश आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते रहे ये काले कपड़े पहले काले करने में करें काले रंग से देश की देश की अर्थव्यवस्था को पोतने के काम करे गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें दुनिया में देश का नाम बदनाम करने की कोशिश करें लेकिन अदरण्य प्रधानमंत्री जी ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने मंजिल को ध्यान में रखा कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ करना है